Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. So in today's video, I will show you the budget friendly way to make 3D imprints of your little one's hands and foot. If you want to make a proper 3D casting, then do check it out my other video. I will give the link in the I button and the description box also. Without wasting a time, let's start a video. If you follow this method, then you will get this beautiful cast in just 20 rupees. Take one medium size container to make a dough. For this, you will need wheat flour or maida. Here I am taking 3 cups of wheat flour, adding some water and make a soft dough out of it. The dough is perfectly ready. अब मैं इसे चकला और बेलन की हेल्प से रोल कर लूंगी। Apply some coconut oil on baby's hand and feet and push baby's hand into a dough to get a deep impressions. After so many attempts, I got this impression. So be patient and keep trying to get a perfect one. Next, यहाँ पे मैंने लिया है एक सनमाइका स्ट्रिप जिसे मैं राउंड शेप दूंगी। अगर आपके पास ये स्ट्रिप नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक स्ट्रिप भी ले सकते हैं और उसे ऐसे टेप लगाकर आप राउंड शेप में कन्वर्ट कीजिए। एंड नाउ आई एम पुशिंग इट इनटू द डो सो दैट जब मैं इसमें कोई लिक्विड पोर करूँगी तो इसमें से लीक नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीओपी। इसे मैं एक कंटेनर में लेके उसमें पानी मिक्स कर रही हूँ और ये हमारा एक रनी कंसिस्टेंसी वाला मिक्सचर बनके रेडी है। अब ये जो मिक्सचर है वो जो मैंने मोल्ड्स बनाए हैं उसमें मैं पोर करूँगी। और इसे मैं 4 to 5 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए रख दूंगी। आफ्टर 5 आवर्स ये कुछ ऐसे दिखते हैं और अब मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। एंड सी आवर परफेक्ट इम्प्रेशंस आर रेडी। बट अभी भी ये वेट है तो इसे पूरी तरह से ड्राई होने के लिए 2 to 3 डेज लगेंगे। तो अब मैं जो सनमाइका का स्ट्रिप है वो उसे रिमूव करके इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी 2 to 3 डेज के लिए। आफ्टर 3 डेज इट इज कंप्लीटली ड्राइड और ये अभी काफी लाइट वेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है सैंड पेपर और सैंड पेपर की हेल्प से मैं इसे थोड़ा स्मूथ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसे वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। वाइट कलर का एक कोट देने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहा है। अब मैं इसे गोल्डन कलर से पेंट करूंगी। पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन एक्रेलिक कलर। इसके 2-3 कोट्स तो आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद ये कुछ ऐसे दिखता है।
अब हमारे मोल्ड्स रेडी है। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेमिंग प्रोसेस। तो ये मैंने लिया है एक माउंट, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में एक थिक शीट भी बोल सकते हैं, और इसे मैं कलर कर रही हूँ पिंक एक्रेलिक कलर से। और अब मैं यहाँ पे ये मोल्ड प्लेस करके देख रही हूँ। इसे थोड़ा डेकोरेट करने के लिए मैंने लिए है दो कलर के पॉम पॉम, पिंक एंड वाइट। पहले मैं सारे एलिमेंट्स को प्लेस करके चेक करूँगी कि ये कैसे ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो यहाँ मैं पॉम पॉम प्लेस कर रही हूँ। और ये जो सारे एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, ये मैंने लिए हैं एक बारबी सेट से। बारबी सेट में जो सैंडल्स, ये क्यूट सा पर्स, और ये जो फिश है, ये बटरफ्लाइज, वो सारे एक बारबी सेट में आए थे, जिसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और लास्ट में इस क्यूट से क्लिप के हेल्प से मैं यहाँ पे मेरी डॉटर का एक फ़ोटो अटैच करूँगी। यहाँ पे मैंने फाइनल कर लिया है कि मुझे कौन से एलिमेंट्स कहाँ पे प्लेस करने हैं। तो अब मैं इसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दूँगी। इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने लिए है पिंक कलर के पर्ल्स, और इसे मैं स्टिक करूँगी। Now finally the decoration is done. Now I am taking one box frame. इसे box frame इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका width जो है normal frame से बहुत ज़्यादा होता है, nearly ये 3 centimeters है। ये easily आपको available नहीं होगा। ये मैंने लिया है IKEA से, और इसका dimensions है 30 centimeters by 40 centimeters। इसके अंदर ये एक separator आता है, और ये जो है ये एक एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट शीट है, इसमें ग्लास नहीं है। ये POP के कास्ट जो है हमने बनाए हैं, ये थोड़े हेवी है, तो इसे स्टिक करने के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ ग्लू गन, और इसकी हेल्प से ये इजीली स्टिक हो जाता है। एंड नाउ द फाइनल स्टेप, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कॉपर लाइटिंग, ये आपको इजीली अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगी। देखने में ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है क्योंकि इसमें वायर्स बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेंगी, सिर्फ लाइट सी दिखेंगी। और यहाँ पे मैंने वॉर्म वाइट लाइट यूज़ किया है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी।